हाय एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 7 का पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कहाँ लोकेट होते हैं? इक्वेटर में, जहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली सनलाइट हमें मिलती है। इसलिए जो ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्लाइमेट होता है हॉट क्लाइमेट। ठीक है, मतलब ठंडियों में जो है वो टेम्परेचर 15 डिग्री तक जा सकता है, जबकि गर्मियों में 40 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द डे और नाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो क्या रिसीव करते हैं, लॉट ऑफ रेनफॉल, इसलिए वहाँ पे क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है कैसा, वार्म एंड रेनी है, इसलिए वहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। जिस जगह पे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलेगा, वहाँ पे क्या कंपटीशन होगी। कंपटीशन किसके लिए होगी, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग जो एनिमल्स है वो अडेप्ट, अपने आप को अडेप्ट करते अकॉर्डिंग देयर नीड, कि उनकी नीड क्या है। ठीक है, ये कहाँ फाउंड होते हैं? ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेड आइड फ्रॉग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, इसकी जो आँखें है वो कौन से कलर की, रेड कलर की आँखें। ओके, जो आँखें है उसकी रेड कलर की आँखें हैं। ओके, और ये रेड कलर की आँखें हैं। जो हमारे यहाँ के फ्रॉग है वो कहाँ रहते हैं, बोल लो, टेरिस्टल में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, मड में, पानी में रहते हैं। पर ये कहाँ रहता है, ये ट्री पे रहता है। ठीक है, और इसके जो पाँव है, देखो ये जो पाँव है वो कैसे हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं। ठीक है, उनके जो फीट में होते स्टिकी पैड्स होते हैं, ताकि वो ट्री पे क्लाइंब कर सके। और ये जो बॉडी का वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से क्या होता है कि वो लोग हाइड हो जाते हैं। ठीक है, विद इन द लीव्स वो छुप के अपना शिकार कर सकते हैं। मंकी, ठीक है, जो मंकी है उनकी लॉन्ग टेल होती है फॉर ग्रैब्सिंग द ब्रांचेस। ठीक है, जो हेल्प करती है टू लिव ऑन ट्रीज, और इसके जो हैंड्स और फीट है वो होल्ड करते हैं ब्रांचेस को। नेक्स्ट इज टोकान। ठीक है, इसकी जो बीक है वो लॉन्ग है और लार्ज बीक है। ठीक है, जो हेल्प करती टू रीच द फ्रूट्स ऑन अ ब्रांच विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट द वेट। ठीक है, वो उस ये इसकी बीक लंबी और लार्ज होने के कारण क्या होती है कि वो उस पेड़ के भी फ्रूट्स खा सकती है जो कि जिसकी ब्रांचेस कैसी है, बहुत वीक है, जो इसका वेट का सपोर्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, लायन टेल मैकेक। ठीक है, इसके जो मेन है सिल्वर वाइट मेन है जो सराउंड करता है हेड से टू चिन तक। ओके, ये रहा। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, ये कैसा है, ये भी है गुड क्लाइंबर है। ठीक है, मोस्टली ट्री पे ही रहता है, गुड क्लाइंबर है और मोस्टली ट्री पे ही रहता है। और क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, फ्लावर्स खाता है। ये जो बार के अंदर इंसेक्ट होते हैं वो भी खाता है। ये मोस्टली ज़मीन पे नहीं आता है क्योंकि उसको सफिशेंट फूड है वो ट्री पे ही मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट इज एन इंडियन एलिफेंट। तो फर्स्ट है इसका ट्रंक। ओके, फर्स्ट है इसका ट्रंक। जो ट्रंक है वो क्या है, वो काम करता है नोज का, ये स्मेल कर सकता है किसी भी फूड को, सो हेल्प करता है पिकिंग अ फूड। नेक्स्ट इज टस्क। ओके, जो टस्क है वो के मॉडिफाइड टीथ है और इट कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज। एंड थर्ड इज लार्ज आईज। लार्ज ईयर्स है वो एकदम जो सॉफ्ट साउंड है उनको भी सुन सकता है। और ये क्या हेल्प करता है, टू कीप द बॉडी कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट।